सो वेलकम दोस्तों आवर यूट्यूब चैनल जीबी गेमिंग। तो आज मैं खेलने वाला हूँ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल मोड में, और ये मेरा पहला सर्वाइवल मोड होगा, तो आपको भी देखने में मज़ा आएगा। वीडियो को पूरा देखिए। तो मुझे जहाँ तक पता है, पहले हमको माइनक्राफ्ट सर्वाइवल में बेड बनाना होता है, फिर एक घर बनाना होता है। बेड तो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि रात को ज़ॉम्बी आके हमको मार जाते हैं, इसलिए हमको बेड ज़रूरी बनाना है। तो मैंने एक बेड चुराया है विलेजर्स का, और मैं अभी उनका एक घर चुरा लूँगा, कब्ज़ा कर लूँगा घर पर, उनमें ही रहूँगा। हमको ज़्यादा मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसी घर में रहूँगा। ये किसी लोहार का या लकड़हारे का घर लगता है, मुझे तो इतना पता होता है कि स्टोन कटर हैं ये, कुछ ही लोहार का घर नहीं है। ये जो पत्थर से चीज़ें बनाता है उसका घर है, ये स्टोन कटर है जो बाद में। तो मैंने अपना बेड लगा लिया। अब मैं बाहर जाके कुछ एक्सप्लोर करता हूँ इस काम में क्या क्या है। वैसे मैं डायरेक्ट इसमें डायरेक्टली स्पॉन नहीं हुआ था। ये कौन सा विलेजर था? ओ विलेजर भाव अब क्या बेचते हो मुझे बताओ। ओ विलेजर भाव आप क्या बेचते हो? रुको विलेजर भाव भाव, हाँ तो आप क्या बेचते हो? कुछ नहीं बेचते, चलो हटो यहाँ से। तो वो विलेजर तो कौन सा था पता नहीं, कुछ नहीं बेचता था। फिर मैं अंदर जाता हूँ, मुझे लगता है रात होने वाली, इसलिए मैं सो जाता हूँ। रिस्पॉन पॉइंट सेट, यार बाहर अंधेरा है, लगता है रात तो होने वाली है या नहीं हुई क्या पता। हाँ शाम हो गई, अभी थोड़ी देर में रात हो जाएगी। रात होने से पहले हम, मुझे लगता है घूमने जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हम सो जाते हैं। अभी फिलहाल सुबह उठेंगे और देखेंगे क्या होता है। ये सो क्यों ना, स्टीव सो जा भाई, सो जा अभी आएगा। यार क्या बोलते हैं, सो जा स्टीव। हाँ तो गुड नाइट दोस्तों, हम मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक और नई सुबह माइनक्राफ्ट में हो गई है। तो आज हम हमारे वेपन्स बनाने जाएंगे। वेपन्स के लिए थोड़ी सी लकड़ी चाहिए होगी, वो मुझे पता ही है। सिर्फ मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। अरे बाबा तुम बहुत अच्छी लगती हो, मुझे तुमसे वाइट बेड मिलेगा या वुल मिलेगा? हम वुल मिलेगा बेड, तो मुझे वुल से बनाना पड़ेगा। तो हम वुल बनाएंगे, पहले कुछ वेपन्स बना लेते हैं क्राफ्टिंग करने के लिए। हमको पहले वुड चाहिए होगा, पहले हम वुड ले आते हैं जंगल से, और क्राफ्टिंग टेबल बनाएंगे। फिर क्राफ्टिंग टेबल से हम थोड़े से वेपन्स बनाएंगे जो हमको सर्वाइव करने में मदद करेंगे, जैसे कि पिकेक्स हो गए, एक्स हो गया, इसी तरह के वेपन्स। तो मैं यहाँ जंगल में आ चुका हूँ। मैं ये पेड़ काटूँगा, बहुत बड़ा पेड़ है, मैं यही काटूँगा क्योंकि ये बहुत अच्छा पेड़ है यार, कितना लंबा पेड़ है। तो हम इसे थोड़े से वुड मिलेगा, और वुड से हम वुड ओक बनाएंगे। वुड ओक मिलेगा इससे, मैं थोड़ा सा वुड ले लेता हूँ, फिर वेपन्स बनाऊँगा। तो हमने वुड ले लिया, अब मैं घर पे जाकर कुछ वेपन्स बनाऊँगा। पहले बनाऊँगा पहले मैं बनाऊँगा वुड स्लैब या नहीं वुड प्लैंक बनाऊँगा, फिर क्राफ्टिंग टेबल बनाएंगे उससे। जी ये क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ, क्राफ्टिंग टेबल रख देता हूँ, क्राफ्टिंग टेबल रख दूंगा पहले उसके बाजू में। कहाँ रखूँ, यहाँ रख देता हूँ क्राफ्टिंग। अब इससे मैं बनाऊँगा थोड़ी सी लकड़ी। लकड़ी कहाँ है लकड़ी? ये रही, यहाँ से मैं आठ लकड़ी बना लिया। अब एक बनाऊँगा स्वॉर्ड, एक स्क्वायर पिकेक्स भी बना ली। अगर अब बनाएंगे हम वो हुई और शॉवल बनाएंगे, बस इतनी चाहिए। अब ये वही पिपन्स हमको मिल गई, अब हम जाने वाले हैं कुछ सर्वाइवल। वापस क्या बनाऊंगा मैं? कुछ रखने के लिए चेस्ट चाहिए होगी, या चेस्ट बना लेता हूँ। लेकिन दो चेस्ट बन रही हैं, क्या करूँ? हाँ एक चेस्ट, दो चेस्ट बना लेता हूँ। अब दो चेस्ट बना के हम ये इसमें सारे सामान इंस्टॉल करेंगे। एक चेस्ट रहेगी यहाँ, इसको हटा देता हूँ, और एक चेस्ट यहाँ रहेगी। कहाँ गई चेस्ट? यहीं है क्यों?
एक यहाँ रखना, रखो वहाँ साइड में रख देता हूँ। तो पहले मैं इसमें सारा सामान स्टोर कर दूंगा। स्टोर करने के बाद हम जाएंगे बाहर, थोड़ी सी और लकड़ी ढूंढेंगे और बढ़िया बढ़िया वेपन्स बनाएंगे, और एक घर भी बनाना है हमको। वो तो मुझे बताइएगा, ऐसी जज मत करिएगा, घर बनाना भूल जाते हो। हम घर भी बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। इतने क्रिएशन की माइनक्राफ्ट में अपना छोटा सा घर नहीं बना सकते। तो हम वापस से जा रहे हैं कुछ ऐसी शोध तलाश करने के लिए जो किसी भी ने गई। ये क्या इतना क्या चमक क्या रहा है, ये है क्या? मैं यहाँ जाकर देखता हूँ ये इतना। ओ नो 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 नो, गया खत्म। मैं वापस से यहाँ स्पॉन हो गया और मेरे सारे वेपन चले गए। यहाँ पे तो एक तीन प्लैंक्स पड़े हैं और एक स्टिक है बस। दोस्तों मुझे वापस से वेपन्स बनाने पड़ेंगे और मुझे वापस से जो ना यार, इससे क्या बनता है? अरे यार, मुझे वापस से वुड लेने जाना पड़ेगा। तो हम फिलहाल चलते हैं वुड लेने, वापस से वुड लेंगे। अब मैं इतनी दूर नहीं जाऊंगा, यहीं से वुड ले लूँगा। कौन इतनी दूर वुड लेना जाएगा? सिर्फ वुड लेने को इतनी दूर नहीं जाता गाइस, मुझे माइनक्राफ्ट में कोई भी नहीं जाता। भले आप अपना घर के पास ये थोड़ा सा ख़राब लगे, लेकिन मैं वुड यहीं से ले लूँगा और यहीं से बनाऊँगा अपने सारे वेपन्स। यहाँ चार पाँच ले लेता हूँ। चार पाँच ले लेने के बाद मैं यहाँ से वुड लेकर वापस से थोड़े से वेपन बना लेता हूँ गाइस। मैंने बहुत सारे वुड हैक्स कलेक्ट यानी काट लिया। मैं इनसे थोड़ी सी चीज़ें बनाऊँगा, जैसे कि हो गया वही वेपन जो हमने पहले बनाए हैं। तो पहले हम क्राफ्टिंग टेबल के पास जाते हैं और यहाँ पे बनाएंगे थोड़े वुड प्लैंक्स। प्लैंक बनाने के बाद हम बनाएंगे कुछ ऐसे वेपन्स जो हमको काम आ सके। यहाँ पे कितने 65 वुड प्लैंक बन गए। अब यहाँ से थोड़ी सी स्टिक बनाएंगे और सोर्ड पिकेक्स बनाएंगे पहले, फिर बनाएंगे क्राफ्ट। यार मैं सब कुछ बना लेता हूँ, हमने यहाँ बना लिया। और जो बचा है सामान वो जाएगा चेस्ट में। यहाँ पे हम हमारे प्लैंक्स रखवा देते हैं और स्टिक रखवा देते हैं। अब हम जाएंगे सीधा कुछ चीज़ें लेने। मुझे लगता है बस क्या शाम हो गई है क्या है? मुझे नहीं, अभी शाम नहीं हुई। तो हम जाने वाले हैं कुछ, हम अपना घर बनाने के लिए जाएंगे। पहले मुझे थोड़े सी पहुँचाए होंगे वो नहीं, इसको मैं काट के हम अभी वुडी कलेक्ट करेंगे और सीधा अपना घर बनाएंगे। मैंने अब बहुत सारे वुड कलेक्ट कर लिया। अब मैं जाने वाला हूँ सीधा अपने घर, वहाँ पे क्राफ्ट करूँगा वुड प्लैंक। प्लैंक का क्राफ्ट करके फिर हम बनाने वाले हैं अपने खुद का घर, अपना खुद का महल, जो एक ताजमहल से भी ज़्यादा दाम का होगा। मैं उसको बेचूँगा $500 बिलियन में। बहुत औकात से बाहर जा रहा हूँ मैं, लेकिन उतने में बेचूँगा। जिस किसको भी लेना हो कमेंट बॉक्स में बताए कि किसको लेना है। पहले हम बहुत सारे यहाँ वुड प्लैंक्स बना लेते हैं। मैंने यहाँ बहुत सारे बना लिए, मैंने इनकी गिनती भी नहीं कर सका, उतने सारे बना लिए। मैं ये पार्ट काटने वाला था, लेकिन आप फिर आप बोलेंगे कहाँ से लिया है। मैंने भूल गया उसका नाम, हाँ क्रिएटिव में से लिया, इसलिए मैं आपको दिखा कर ही बना रहा हूँ। तो मैं सारे प्लैंक्स ले लेता हूँ जो चेस्ट में पड़े हैं, वो भी ले लेता हूँ। जो फालतू का सामान है वो सब निकल के चेस्ट में रख देता हूँ। अब प्लैंक्स ले लेता हूँ, प्लैंक्स ले लिया। मुझे वो चाहिए होगा, हाँ ये ले लिया। यहाँ से थोड़ा बना लेते हैं हम प्लैंक्स ही बन गए। प्लैंक ही हो गए हमारे पास। ये यार यहाँ रखने काटने बहुत मुश्किल हो रहा है गाइस। तो मैं वो अपनी ले लेता हूँ अपने से, उसको क्या बोलते हैं जो लकड़ ला कर, कुल्हाड़ी ले लेते हैं हम। फिर आगे जाके बताते हैं। मैंने स्टोन के भी वीपन बनाए थे, वो मैंने पार्ट स्किप कर दिया होगा। तो हम अब हमारे घर के लिए जगह चूज़ करेंगे। जगह चूज़ करने के बाद हमारा घर बनेगा एकदम रेडी रेडी घर होगा, रेडी बिल्कुल भी अच्छा सा घर बनाएंगे हम।
मुझे लगता है यहीं बनाना चाहिए अपना घर। तो पेरा नहीं, मुझे यहाँ भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं कहाँ बनाऊँ दोस्तों, कहाँ बनाऊँ मेरा घर? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आगे की वीडियो में बनाऊँगा घर। जी आगे की वीडियो में घर बनाएंगे, तो तब तक के लिए बाय। बिल्कुल मत जाना, मैं पूरा घर बना के दिखाऊंगा आपको, पूरा घर बना के दिखाऊंगा, पूरा घर बना के। तो यहाँ हमारा घर हो रहा है कंप्लीट। मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, वीडियो की स्पीड बढ़ा देता हूँ। हमारा घर कंप्लीट होने जा रहा है, तो हमारा घर थोड़ा सा कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ से ये प्लैंक निकाल के कुछ उस तरफ लगाऊंगा, यहाँ यहाँ से हमारा थोड़ा घर बाकी है। तो यहाँ ये कंप्लीट करने के बाद, ये घर कंप्लीट करने के बाद मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। हमारा घर पूरा कंप्लीट हो गया, और मैं यहाँ एक यहाँ टॉर्च लगा देता हूँ, और मैं अपने उस पुराने वाले घर से बेड और एक चेस्ट ले आया था, वो चेस्ट भी यहाँ रख देता हूँ। पहले एक बेड रख देता हूँ यहाँ, कहाँ रखूँ यार, 5 तक आई चार्जिंग रही है। मैं ये बेड रखता हूँ यहाँ, कहाँ रखूँ यार, हाँ यहाँ रख देते हैं एक बेड यहाँ रह गया, और इस पे रिस्पॉन्स पॉइंट सेट कर देते हैं। और बेड रखने के बाद जो एक चेस्ट बची है, चेस्ट को कहाँ रखता हूँ, चेस्ट रखते हैं हम। और कुछ मेरे दिमाग में आइडिया चल रहा है, लेकिन लेकिन क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं काम करता हूं गाइस,
तो हम मिलेंगे, तो एक काम कर रहे गाइस, हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बाय।